जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस पे। दोस्तों, मैं हूँ आशीर्वाद प्रजापति और इस वीडियो में हम समझेंगे खोज और उनके आविष्कारक के बारे में। ठीक है, कि टेलीफोन को किसने खोज किया है ना, उसको कौन बनाया। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट जीके जीएस अपडेट्स पाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं टेलीफोन की खोज किसने किया है ना, उसको आविष्कार किसने किया, तो वो थे ग्राहम बेल। ठीक है, दूसरा है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, तो वाटरमैन। ठीक है, तीसरा है रेडियो का किसने खोज किया, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, मार्कोनी ने। ठीक है, सीमेंट की खोज किसने किया, तो जोसेफ एस्पडीन ने। ठीक है, डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया, तो रुडोल्फ डीजल ने। नाम से ही चूंकि क्लियर हो जा रहा है। ठीक है, एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया, ठीक है, तो हैवीलैंड कैरियर ने। ठीक है, अजीबो गरीबो नाम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, अरे हमको बोले होते सब अच्छा अच्छा नाम रखते हैं, क्या बताएं, ये सब पता नहीं कहाँ कहाँ से नाम उठा लगे। चलिए भाई दबे, हमको क्या, हमको तो सिर्फ सीखना है ताकि एग्जाम तक याद रहे। ठीक है, चलिए देखिए गाइगर मूलर काउंटर का। ठीक है, गाइगर मूलर काउंटर का आविष्कार किसने किया, वो है गाइगर, नाम से चूंकि स्पष्ट हो जा रहा है। विद्युत जनरेटर का, ठीक है, तो माइकल फेराडे ने किया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे पॉकेट वॉच का, वॉच जो हम पहनते हैं, ठीक है, तो पॉकेट वॉच का किसने आविष्कार किया, तो पीटर हेलिन ने। ठीक है, ओके, एक्सरे का आविष्कार किसने किया, एक्सरे, तो वो आप पक्का हो जाता है कार्नेड रॉयटजन ने। ठीक है, ऑलराइट, आगे देखिए कैलकुलेटर। देखिए आपको बता दें कि कंप्यूटर से पहले कैलकुलेटर का आविष्कार हो गया था, और उनका आविष्कार कौन किए थे भाई, तो पास्कल। ठीक है, पास्कल ने किया हुआ था। ठीक है, रेल इंजन का खोज किसने किया, किसने बनाया रेल इंजन को, तो वो थे जॉर्ज स्टीफेंस। ठीक है, नेक्स्ट है मोटर स्कूटर का आविष्कार किसने किया, तो वो है गोबिली ब्रेडशा। ठीक है, अगला है टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो हम सब लोग जानते हैं, वी ऑल आर नो दैट, दैट वाज जेएल बेयर्ड। ठीक है, जेएल बेयर्ड, ठीक है, यहाँ पे है। चलिए आगे देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया। ठीक है, तो पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया, तो उश्नेल ने। ठीक है, आगे कंप्यूटर का हम सभी जानते हैं भाई, चार्ल्स बेबेज ने किया है। ठीक है, बैरोमीटर जिससे हम वायुमंडल का दाब मापते हैं, ठीक है, तो उसे किसने किया, टोरी सिली ने किया था। ठीक है, अगला है रेफ्रिजरेटर जिसे हम फ्रिज कहते हैं, ठीक है, उसे दो लोग किए थे, हैरिसन और कैटलिन। मैंने कैटलिन कहा है, कैटरीना नहीं कहा है भाई साहब, ठीक है, कैटलिन। आगे देखिए साइकिल, साइकिल का आविष्कार किसने किया, तो मैकमिलन ने। ठीक है, आगे देखिए बिजली के पंखा, देखिए बिजली का पंखा क्या करता है, हिलता ही ना है गोल गोल, तो हिलर क्या हो जाएगा, हिलर ने किया था, इट इज वेरी इजी। ठीक है, आगे देखिए विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिशन ने किया था। अगर आप कक्षा 10th के स्टूडेंट रहे होंगे यूपी बोर्ड से, तो उसमें एक चैप्टर है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, जब ये बात एडिसन कहता है, ठीक है, ये साइंटिस्ट रहते हैं, बोलते हैं कि मैं अमेरिकन पीपल से कि मैं दो वर्ड्स में विद्युत बल्ब बना के दूंगा, तो सारे वैज्ञानिक जो है इन पर हंस पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि लगभग 1200 प्रयोग करने के बाद, ठीक है, इनको सफलता मिलती है विद्युत बल्ब बनाने में। ठीक है, तो जिसपे लोग हंसा है ना, वही लोग सक्सेस हुआ है। ठीक है, जिसपे लोग हंसा है, ठीक है, वही व्यक्ति क्या हुआ है, सक्सेस हुआ है। खैर, लोगों का क्या काम है, लोगों का तो काम है कहना, लोग तो कहेंगे ही। ठीक है, आप अपने काम में लगे रहिए, अपने मतलब मोटो को बिल्कुल तरोताजा रखिए, ध्यान में रखिए कि आपको करना क्या है, बनना क्या है, चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाती है। ठीक है, अभी स्टार्ट तो करिए। चलिए, डायनामाइट लास्ट बचा था, उसका खोज किसने किया, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। आई होप मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा सका, मेरा मोटो यही था कि कुछ चीजें तो आपको पहले से पता थी, पर कुछ चीजें ऐसे जरूर होंगी जो आपको नहीं पता थी, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया। आई होप आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, तो एक लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।